चुप रहेगा और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। ये वीडियो देखो बहुत लेट बोला। हमारे गेस्ट इस वक्त टीवी इंडस्ट्री के सबसे कॉस्टलेस राइटर्स में से एक हैं, द फास्टेस्ट ग्रोइंग किसी ने क्या खूब कहा है कि कामयाबी उन्हीं को हासिल होती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रूबरू में। मैं हूँ आपके साथ श्यामलिका अध्याय और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ये वीडियो देखो, शो चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? एक बार देखो तो सही प्लीज। ये देखो इसमें जोक बहुत प्यारा है। आई नो शोभित सिन्हा ने लिखा है, अभी शो रिकॉर्डिंग है, बाद में बात करते हैं। ठीक है। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे राइटर और प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपनी मेहनत से बॉलीवुड में एक पहचान बनाई है। हमारे गेस्ट इस वक्त टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे कॉस्टलेस राइटर्स में से एक हैं, द फास्टेस्ट ग्रोइंग राइटर ऑफ द टीवी इंडस्ट्री, नन अदर देन मिस्टर शोभित सिन्हा। तो चलिए आपका रूबरू करवाते हैं मिस्टर शोभित सिन्हा से। शोभित सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? शामली जी मैं बहुत ठीक हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो रूबरू में सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, मैं बहुत आभारी हूँ जी। हम भी बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे लिए वक्त निकाला आपने। सो इससे पहले मैं सवाल जवाब आपसे शुरू करूं, मैं उससे पहले आपसे एक बिग सल्यूट मैं आपको देना चाहूंगी कि आपने कोविड की जो सेकंड वेव आई थी उसमें आपने लोगों की जो मदद की है वो सच में तारीफ़ काबिल थी। आपने बहुत से लोगों की हेल्प की, खुद पॉजिटिव रह के आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और आपने वो किया, तो उसके लिए एक बिग सल्यूट सर आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस बात का शुक्रिया से ज्यादा तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये तो बस मैंने वो किया जो हर इंसान को शायद करना चाहिए। एक इंसानी फितरत है कि आपके सामने अगर कोई प्यासा खड़ा है तो पानी पिलाई देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जब लग रहा था कि हाँ इतनी इतनी मदद और सहायता की आवश्यकता है दुनिया में, तो मैंने बस वही किया जो कर पाया जी। लेकिन शुक्रिया आपने इसको मेंशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने इतने सारे हिट शोज़ के लिए काम किया है, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट्स, बचाओ, आइफा, और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं आप। और आई एम श्योर जो भी ये इंटरव्यू सुन रहा होगा उसको ये जानने की ज़रूरत, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी कि लखनऊ से शुरू हुई एक राइटर की कहानी आज बॉलीवुड में एक इतना अच्छा खासा नाम बना के बैठी है। तो ये सफ़र आपका, ये जो जर्नी है, ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं, क्योंकि ये ज़रूर बहुत से लोगों को इंस्पायर करेगी। जी 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 देखिए राइटर होना एक बहुत, जैसे मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये कैसे कर लेते हैं आप, ये तो बड़ा टफ होता है। तो मैंने बोला ये टफ नहीं होता है, ये अलग होता है, ये गॉड गिफ्ट है, ये या तो है या तो नहीं है, और अगर है तो फिर इजी है। तो सफर यहाँ से शुरू हुआ कि मुझे पता तो हमेशा से था कि मैं राइटर हूँ, बचपन से मुझे मालूम था, एक मालूमात हो जाती है अंदर से आपके, जिस तरीके से शब्द पिरोने के अंदाज होते हैं आपको पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि हाँ लिख लेते हो। लेकिन मुझे कभी इस चीज को कमर्शियल नहीं करना था, मुझे कभी इस चीज को, मैं कभी मुंबई आके नहीं लिखता। मेरे साथ हुआ ये कि मैं एक रेस्टोरेंट डालने वाला था लखनऊ में और मैंने सोचा था कि यू नो एज अ राइटर कभी किताब लिख देंगे, कभी कुछ हो जाएगा, बट ऐसे इंडस्ट्री में आके तो नहीं लिखना था। बट वो रेस्टोरेंट चलने से पहले ही फेल हो गया वो मतलब बेसिकली मैंने, हाँ तो एमिटी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था एंड उसके सामने एक जगह थी जहां मैं चाहता था कि मैं एक रेस्टोरेंट खोल दूं एंड लखनऊ में मेरा पूरा परिवार था, मेरे सारे पूरी दुनिया थी, बिरयानी का रेस्टोरेंट, हाँ हाँ मेरी फेवरेट थी ना, तो खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, खर्चा ज्यादा हो रहा था बाहर खाने, मैंने कहा खुद ही बनाते। तो वो खुलने से पहले ही
नहीं खुल पाई एंड कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से मुझे फेलियर मिला. बट कहते हैं शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो नहीं हुआ. इसलिए मैं मुंबई आया और मुंबई आया उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लोगों से मेरा परिचय हुआ और धीरे धीरे करके मैं लिखने लगा. फिर वो सिलसिला चल रहा है और देखते हैं कब तक चलता है. जब तक उम्र है शायद तब तक कलम का साथ है. बिल्कुल सर, बिल्कुल चलेगा. और आई थिंक आपके जितने भी शोज अब तक आए हैं वो सारे हिट रहे हैं और लोगों को बहुत पसंद आते हैं वो शो. तो ये आपका सिलसिला ये ज़रूर आगे तक चलेगा. सर, इसी से जुड़ा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपका पहला शो कौन सा था जिसे आप कह सकते हो कि वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो या एक बिग ब्रेक हो आपका? ओके, मेरा पहला शो तो किसी को भी नहीं पता है क्योंकि वो बहुत वो फ्लॉप हो गया था. वो शो वो सब टीवी का एक शो था, द ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा, जिसमें सतीश कौशिक थे, अर्चना पूरन सिंह थी एंड बहुत सारे लोग थे. सो उस वक्त मैं नया नया टीम से जुड़ा था. यू नो, कॉन्टेलो प्रोडक्शन था, राज छांडलिया को प्रोड्यूसर थे जो आज ड्रीम गर्ल के डायरेक्टर हैं. सो उनकी टीम से मैं जुड़ा था बट वो शो वर्क नहीं किया. उसके बाद फिर मैं ऑप्टिमिस्टिक्स में आ गया. अच्छा, इस शो से भी पहले मैंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में शुरुआत की थी. मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा था लेकिन मैंने लिखना वहां पे शुरू किया था. सो कलर्स पे जो आता था, ये सोनी वाला नहीं, कलर्स वाला, तो वहां से मैंने शुरुआत की थी और मैंने थोड़ी स्क्रिप्ट लिखना शुरू ही किया था कि मुझे लगा कि थोड़ा बेटर ऑफर मुझे कहीं और से आ रहा है, तो मैं वहां पे चला गया. वो शो फिर वर्क नहीं किया. उसके बाद फिर मैं ऑप्टिमिस्टिक्स में आ गया. ऑप्टिमिस्टिक्स वो सारे शोज का प्रोड्यूसर था, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट्स बचाओ, जहाँ पे मैंने फिर सारे शोज लिखे. फिर मैंने काफी सारे शोज लिख डाले एंड पिछले 6 सालों में तो पता नहीं, मैंने तो गिनती छोड़ दी अब काफी सारे, मतलब आई एम श्योर सर आगे भी गिनती आप ना कर पाए, आगे भी और ज्यादा आपको शो मिले और गिनतियां आपकी मुश्किल बढ़ती जाए आगे. और सर, इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन था मेरा जो आपने फर्स्ट आंसर में अपने मेंशन किया कि राइटर होना थोड़ा डिफरेंट है, नया नहीं है, डिफरेंट है. तो आप मुझे बताइए, कोई भी ऐसा शो होगा जो अच्छा नहीं लगा होगा लोगों को या वो उतना हिट नहीं हुआ होगा, तो लोग कहते हैं ना कि यार इससे बेटर तो मैं लिख लेता या इससे अच्छा तो मैं लिख लेता. तो राइटर होना इतना इजी है कि मतलब आजकल तो हर दूसरा इंसान खुद को राइटर कहता है. हर दूसरा इंसान, किसी ने अगर दो लाइन लिख दी या दो शेर लिख दिए तो वो खुद को राइटर ही समझता है. तो आप बताइए, राइटर होना इतना इजी है? क्योंकि आई एम श्योर जितने भी कैरेक्टर आप लिखते हैं उनका लिखने का एक प्रोसेस बहुत लंबा होता है. जी जी जी. तो देखिए, अभी तो क्या है ना कि शाहरुख खान की भी एक फिल्म नहीं चलती तो लोग कहते हैं अरे मैं तो शाहरुख की जगह होता तो हो सकता है हिट हो जाती. तो लोगों का तो खैर क्या ही कहें. लेकिन हाँ, ये बात सच है कि देखिए हर बॉल पे छक्का नहीं पड़ता है. सचिन भी हर बॉल पे छक्का नहीं मार पाता है. हम भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लिखावट भी हर बार हिट हो, हर शो हिट हो, हर लाइन हिट हो, ये जरूरी नहीं है. शाहरुख खान की भी हर फिल्म हिट नहीं होती है. तो ये अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में होते हैं कि हम हाँ हाँ डेफिनेटली कि कभी बिल्कुल कांस्टेंट कुछ भी नहीं चल सकता है. लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. आप कभी कभी बहुत ही आप हिट या बहुत ही आपको प्रशंसा मिलती है, आप पूरी दुनिया तारीफ करती है एंड जब आपको तारीफ मिलती है तो आप भी फिर यू नो क्रिटिक्स को झेलने के लिए फिर तैयार रहना चाहिए क्योंकि जो तारीफ कर रहे हैं वो बुराई भी करेंगे. ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं क्योंकि हमारा काम ही शो ऑडियंस का है तो उनका रिव्यू तो हमारे लिए मैटर करता है. एंड हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई शो नहीं वर्क कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट वर्क नहीं कर रही, कोई लाइन वर्क नहीं कर रही है तो बेटर हो. बट हाँ, ये है कि हर कोई राइटर नहीं बन सकता है, ये बात बिल्कुल सच है. हर कोई राइटर अगर होता इस दुनिया में, देखिए पता है क्या होता है मेरे हिसाब से, इस पूरी दुनिया में जितने लोग जिन्होंने क्रांति फैलाई है वो राइटर होने के बाद कुछ थे. जैसे हिटलर थे लेकिन मेन कैंप लिख दी, ओशो थे लेकिन तमाम किताबें लिख दी, विवेकानंद थे लेकिन उनकी किताबें आप पढ़िए. तो हर राइटर का पता नहीं है कि वो बड़ा काम करता है कि नहीं, लेकिन हर बड़ा काम करने वाला राइटर जरूर होता है क्योंकि वो सेंसिबिलिटी उसके अंदर होती है. सो वो डेफिनेटली अगर कोई कहीं पे किसी हाइट पे है लाइफ में और कुछ एक लाइफ की डेप्थ देख रहा है तो जरूर उसके पास लिखने की सेंसिबिलिटी होती है. लेकिन हाँ, ये सबके बस की बात नहीं. देखिए ऊपर वाला हर किसी को एक ही बीज से नहीं नवाजता है.
तो कोई कुछ अच्छा करता है, कोई कुछ अच्छा करता है, किसी के पास राइटिंग की सेंसिबिलिटी है तो किसी के पास नाचने की है, हर लिखने वाला नाच नहीं पाता है, नाचने वाला लिख नहीं पाता है, तो वो तो ऊपर वाले का खेल है। और इतने रंग हैं इस दुनिया में कि अलग अलग रंगों से सबको वो कारीगरी अलग है। हर किसी का अपना एक अलग रंग है। बेशक बेशक, हर किसी का एक अपना एक रंग है। शोभित सर, आपने बहुत से ऐसे सेलेब्स के लिए काम किया है, जैसे कि कपिल शर्मा हो गए और रवि दुबे हो गए, मनीष पॉल हो गए, तो आप जब इनके लिए कोई कैरेक्टर या कोई पंचलाइन या कोई जोक आप अगर इन लोग के लिए लिखते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि इन तीनों में या और भी जो सेलेब्स हैं उन सब में एक किसी भी पंचलाइन या किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने का एक अपना तरीका है, किसी का मिलता जुलता तरीका नहीं है। तो बेशक आप जब इन लोगों के लिए लिखते हैं तो आप क्या ध्यान में रख के लिखते हैं, क्या उनकी पर्सनालिटी को ध्यान में रख के लिखते हैं, या आप उन पे छोड़ देते हैं कि मैंने लिख दिया है ये पार्ट, आप इसे जैसे चाहो आप इसे प्ले कर सकते हो, किस चीज़ का आप ध्यान रखते हो उस वक्त? ये दो तरफा है, हम भी ध्यान रखते हैं और वो भी ध्यान रखते हैं। हम ये ध्यान रखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और वो ये ध्यान रखते हैं कि हमने जो लिखा है वो कर पाएंगे या नहीं। तो ये दो तरफा है। ये जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, जैसे मैंने अगर मनीष पॉल के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखी या रवि दुबे के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखी या कपिल शर्मा के लिए भी लिखी, तो उस स्क्रिप्ट में मैंने जो कैरेक्टर्स बनाए हैं, तो ये उनके लिए भी चैलेंज होता है कि अच्छा ये जो कैरेक्टर एक राइटर ने क्रिएट किया है ये हम कितना निभा सकते हैं। और वो जो इजी कर पाते हैं उनके हिसाब से लिखना मेरे लिए चैलेंज होता है कि मैं कितना जस्टिफाई कर पाऊंगा, क्योंकि वो लोग तो अच्छा करते हैं कैरेक्टर। तो ये दो तरफा है, इसमें ये दोनों जब मर्ज हो जाते हैं, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तो ही मिरेकल होता है आई गेस। क्योंकि अगर राइटर और एक्टर सेम पेज पे या सेम फ्रिक्वेंसी पे नहीं रहेंगे तो वो कभी भी वो कनेक्शन ऑडियंस फील कर पाएगी। शोभित सर, मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वीडियो देखा था जिसमें आप एक्टिंग कर रहे थे, तो ये एक्टिंग में भी आपने सोचा है क्या आगे जाने का? देखिए, छोटी सी जिंदगी है, सोचा तो कुछ नहीं है, होता जो चला जाता है हम करते चले जाते हैं। बाकी एक्टिंग का मैंने कभी ऐसा स्टेज पे आने का मैंने प्रोफेशनली नहीं सोचा। मैंने कहा क्या यार, छोटे बट उस छोटे वीडियो को देख के लग नहीं रहा था कि आपने कभी कोशिश नहीं की होगी, या मतलब वो काफी प्रोफेशनली साउंड कर रहा था वो वीडियो, अगर आप कोई भी देखे वो वीडियो तो उसे लगेगा नहीं कि आपने पहले कोशिश नहीं की। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसीलिए तो आता नहीं कि यार क्यों स्टैंड अप कॉमेडियंस के पेट पे लात मारनी है। अब इस चीज को हम एडिट कर देंगे अच्छे से, इसको हम एडिट करके वायरल कर देंगे आपने जो ये बोला अभी। नहीं तो बस इसीलिए, देखिए क्या होता है, सबकी अपनी एक अंदर से दैट दैट किक जो आती है। मुझे लिखने में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा पैशन आता है। ऐसा नहीं है कि मैं स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, मुझे बोलना भी आता है, लेकिन जो ज्यादा अच्छा आता है वो लिखना आता है, जो ज्यादा दिल से करना आता है वो लिखना आता है। तो और क्या है कि मैं लिखावट नहीं, जैसे मैं एनिमेशन शोज भी लिखता हूँ, मैं फिल्म्स भी लिख रहा हूँ बहुत सारी, मैं वेब सीरीज भी लिख रहा हूँ, मैंने ऐसे कोई जॉनर नहीं छोड़ा है। तो इससे मुझे कभी कभी लगता है कि एक्टिंग भी करें और राइटिंग भी करें और डायरेक्शन भी करें और ये भी करें और कोरियोग्राफी भी करें, इससे बेहतर है कि राइटिंग भी तमाम तरीके की करें। राइटिंग में अपना बहुत वेरिएशन है कि कॉमेडी भी लिखता हूँ, शायरियां भी लिखता हूँ, वेब सीरीज में थ्रिलर भी लिख रहा हूँ, तो राइटिंग अपनी एक दुनिया है। तो वो उसमें भी वेरिएशन एक्सप्लोर करना चाहिए हर एक राइटर को, या जिसके जिसको भी ऊपर वाले ने नवाजा है कि हाँ अगर मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो कॉमेडी कर लेता है वो बहुत कुछ कर लेता है, वो एक्चुअली सब कुछ। और कॉमेडी बहुत ज्यादा हार्ड भी है, मतलब लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल भी है। हाँ वही मैंने बोला, मुश्किल नहीं, अलग है। जिसको आता है उसके लिए बहुत इजी है, और जिसको नहीं आता है वो 3 जन्म भी ले लेगा तो शायद उसे ना हो। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये था कि आप एक प्रोडक्शन हाउस भी रन कर रहे हैं जिसे आप कंटेंट का शॉपिंग मॉल कहते हैं, सही कहा अगर मैंने तो वो कैसे काम करता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमें। ये आइडिया मुझे आया जब मैं कॉमेडी सर्कस लिखता था, और बहुत सारे राइटर्स थे। मैं 2018 के कॉमेडी सर्कस का लीड राइटर था, और मैं हमेशा से देखता था राइटर एक ऐसी जात होती है ना, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा टूटा होता है बेचारों का। मेरी थोड़ी बात अलग है, मैं समझता हूँ मैं थोड़ा सा बिजनेसमैन किस्म का भी इंसान हूँ, तो मैं थोड़ा सा संभाल लेता हूँ खुद को, लेकिन जो एक राइटर की बिरादरी है ना वो बहुत वल्नरेबल है। उनको बोलो अच्छी नहीं है स्क्रिप्ट तो डर जाते हैं, कहते हैं अब तो मैं छोड़ रहा हूँ, गाँव जा रहा हूँ, गोंडा जा रहा हूँ मैं वापस, वैसा वाले होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि यार देखो, तुम लोग की वैसे भी
फेस वैल्यू जैसे एक्टर्स की होती है कि एक्टर्स के नाम पे, कि कपिल के नाम पे कुछ हो गया आ गया या भारती के नाम पे कुछ हो आ गया, मैंने कहा देखो तुम लोग बैक, हम बैक वाले लोग हैं, हम बैक बोन्स हैं एंड बिहाइंड द कैमरा है, तो हम अगर मिलके भी लिखेंगे तो उससे ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो वो मुझे आइडिया साहित्यिक प्रोडक्शंस का तब आया कि यार सारे राइटर्स मिलके शोज का यू नो जैसे ठेका नहीं लिया जाता है कि हमने एक गारंटी ले ली कि भाई हम आपका शो हिट करा के देंगे, नहीं करा देंगे तो हमको आप लात मार के निकाल देना, लेकिन हम आपका शो हिट करा के रहेंगे। सो साहित्यिक वाज एन आइडिया कि सारे राइटर्स मिलके लिखते हैं, सबके सबके क्रेडिट्स जाएंगे, सबके इनपुट्स होंगे, सबका सेटिस्फेक्शन होगा एंड एंड शो की क्वालिटी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि जहां एक दिमाग लग रहा था 50 लगेंगे। तो मैंने टीम बनाई राइटर्स की, वो पहली राइटर्स कंपनी है बॉलीवुड की, इससे पहले राइटर्स कंपनी के बारे में किसी ने सोचा नहीं। हाँ, तो राइटर्स कंपनी हमारी, फिर मैंने सोनी में जो एनिमेशन शोज आते हैं मैंने उनसे कोलैबोरेशन किया, तो सोनी और साहित्यिक का टाई अप है, सो आई एम द कंटेंट प्रोड्यूसर ऑफ ऑल दोस शोज, जिसमें हनी बनी का झोलमाल है, तारक मेहता भी है और भी बहुत सारे शोज हैं जिनका मैं अभी नाम रिवील नहीं कर सकता हूं, बट दे आर अपकमिंग शोज। और अभी आपके शायद दो शो और आने वाले हैं जी टीवी पे। जी टीवी पे एक आने वाला है ये कॉमेडी फैक्ट्री जो 31 जुलाई से ऑन एयर है, यस, जिसमें फराह खान मैम जज हैं और बाकी बहुत सारे कॉमेडियंस एंड एक्टर्स हैं उसमें। बाकी मेरे अलग अलग चैनल्स पे आ रहे हैं, मैं अभी रिवील शायद ना कर पाऊं बट जल्दी अनाउंस करूंगा। टोटल 4-5 शोज हैं, हम लोग बड़ा बल्क वाला काम कर रहे हैं, ठेका ले लेते हैं क्योंकि टीम है तो ऑफकोर्स मिलके लिखना एक होता है ना, पन्ने फट जाते हैं किताबें नहीं फटा करती, तो हम जब मिलके कर रहे हैं ना जो काम तो उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं क्योंकि हम लोग साथ हैं। सर इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन है, मैं मुझे सुनने में आया कि आप अंदाज अपना 2 के जो पार्ट बनने वाला है अंदाज अपना 2 उसके लिए आप एज ए लीड राइटर काम करने वाले हैं, तो ये बात सच है? देखिए एक जो हमारी प्रोड्यूसर जी हैं मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, नम्रता जी हैं, और उनकी मैं एक फिल्म कर रहा था, कहानी ये थी कि मैं उनकी एक फिल्म कर रहा था और उनको मेरे डायलॉग्स पसंद आए तो उन्होंने मुझको ऑफर किया, क्योंकि वो अंदाज अपने अपना 2 के प्रोड्यूसर्स थे, तो उन्होंने मुझको ऑफर किया कि अंदाज अपने अपना 2 के चीजें लिख दी गई हैं लेकिन हमको आपका ह्यूमर चाहिए होगा। तो मैं बहुत शॉक, यू नो शॉक, शॉक इज अ रॉन्ग वर्ड, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए पूरे जिंदगी की सबसे बड़ी बात है यार कि अंदाज अपने अपना 2 के प्रोड्यूसर्स अगर मुझे ऑफर कर रहे हैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट, तो आई वाज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट। द थिंग इज कि अभी ये पैंडेमिक एंड चलते थोड़ा से प्रोजेक्ट्स लेट हैं, तो सारे लेट हैं एंड कभी ऐसा होता है कि यू नो प्लानिंग चल रही होती है बट बहुत सारे रीजंस होते हैं फिल्म लेट होने के। टीवी शोज तो फटाक फटाक आ जाते हैं लेकिन फिल्म्स थोड़ी सी, क्योंकि वो भली लेट आती हैं लेकिन वो जिंदगी भर के लिए रह जाती हैं, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। जी जी, तो ये बात सच है कि आप इसमें एज अ लीड राइटर आप काम करने वाले हैं? हाँ, मैं डायलॉग्स करने वाला हूँ जब भी आएगी, अभी तो मुझे लगता है 1-1.5 साल हो गया है क्योंकि पैंडेमिक के बाद हम उस चीज पे वर्क नहीं कर पाए और हमने उसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना शुरू कर दिया क्योंकि वो लेट हो रहा था एंड पैंडेमिक की वजह से रुक गया, बट जब भी आएगी तो डेफिनेटली मैं डायलॉग्स करूंगा उसके। शोभित सर आपके लिए हमारे पास एक रैपिड फायर राउंड है, कुछ सवाल है जिसके आपको क्विक आंसर देने हैं। सो पहला सवाल मेरा ये है कि अब तक टोटल आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं और आपके फेवरेट राइटर कौन है? मैंने मैंने बुक्स लगभग पढ़ी होंगी 300 के ऊपर। 300 फेवरेट राइटर मेरे, हाँ 300 के ऊपर, और फेवरेट राइटर ओशो है मेरे। ओशो क्यों, उनका कोई कोई खास रीजन इसके पीछे? क्योंकि लाइफ की जितनी डेप्थ और जितनी ह्यूमन साइकोलॉजी को वो समझाते और समझते हैं, मुझे लगता है कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ। सो रीडिंग हिज बुक्स इज लाइक अ मिरर, लाइक यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, तो इसलिए मेरे फेवरेट है। बाकी तो मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, हालांकि वो एकदम प्रॉपर राइटर भी नहीं थे लेकिन मैं उनका नाम ना लूं तो फिर मैं झूठ बोलूंगा, तो इससे बेहतर है कि मैं सही नाम बोलूं। जी सर, अगला सवाल मेरा ये है कि अब तक जितने भी सेलेब्स के साथ आपने काम किया है
उनमें से सबसे स्मूथली काम आपने किसके साथ किया है, किसके साथ लगता है कि इनके साथ एकदम फ्रीली होके आप काम कर सकते हैं, फ्रेंडली होके काम कर सकते हैं? इसमें तो मैं एक नाम बता नहीं सकता है। मेरे जितने लोगों के साथ मैंने काम किया, मेरे सबसे बहुत बेहद खास रिश्ते हैं। ये पता नहीं, ये शायद हर हर राइटर के ऊपर वाला ऐसा नहीं नवाजा है। मैं बहुत ग्रेटफुल और ब्लेस्ड फील करता हूँ इस बात को लेकर कि मेरे जितने भी, भारती मेरी बहन जैसी है, सिद्धार्थ सागर मेरे भाई जैसा है, मनीष पॉल मेरे बड़े भाई जैसे, मतलब ये रिश्ते वाली बात हो गई, ये सब फैमिली है। तो मैं कोई एक नाम ले लूंगा तो शायद गुनाह हो जाएगा, क्योंकि दूसरे के लिए बड़ा बुरा। ले लो आप, मैं तो चाहती हूँ क्यों हो, मैं तो चाहती हूँ कि वो आपसे लड़े आके। ले लो आप किसी एक का नाम। आपको मसाले चाहिए न्यूज के लिए, है लड़वा लड़वा के, यही तो चाहिए हम लोगों को, तभी तो हेडलाइन बनेगी। तो ये जितने भी एक्टर्स हैं, बहुत ही स्मूथिंग स्मूथ काम होता है इन सबके साथ। हम लोग मर्ज हो जाते हैं, चाहे रवि दुबे हो, चाहे मनीष पॉल हो, वो चाहे मतलब जिसके साथ भी अभी तक मैंने काम किया है, आई गेस जितने भी कॉमेडियंस हैं या एक्टर्स हैं, उन सबके साथ मेरा बहुत स्मूथ प्रोफेशनल रिश्ता और पर्सनल रिश्ता दोनों है। जी, आपकी बॉलीवुड में क्रश कौन है? दिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि लास्ट लव लेटर कब लिखा था आपने? लास्ट लव लेटर कब लिखा था? मैं जब, ये मत बोलना कि अभी हाल फिलहाल में लिखा था। नहीं, हाल फिलहाल में टाइम ही नहीं है स्क्रिप्ट लिखने के, सिर्फ फुर्सत दें प्रोड्यूसर तब तो लव लेटर लिखो। मैंने लास्ट लव लेटर मैंने कॉलेज में लिखा था। कॉलेज में जवाब आया कुछ? मैंने जवाब आया, बिल्कुल आया, और हाँ था, लिखा अच्छा था। मैंने बड़े वाहियात किस्म के किस्से भी किए हुए हैं अपने बीती जिंदगी में। तो बताओ एक दो, बताओ ना हमें, यही तो चाहिए हमें, बताओ। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं एक बताता हूँ थोड़ा। यू नो, स्कूल में एक लड़की पे दिल आया था मेरा। तो दिल आया भी था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि उसको मैं लेटर लिखूं, ऐसा करूं वैसा करूं। तो मेरे जो दोस्त यार थे, उन्होंने कहा कि यार देखो शोभित, अपनी थोड़ी सी आशिकी दिखाओ यार, ऐसे ऐसे थोड़ी लड़की मान जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा दिल फेंक के रखो सामने, थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स दिखाओ, दिखाओ कि कितनी शिद्दत से तुम प्यार करते हो। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि यार लेटर लिखो, आशिक लोग तो खून से लेटर लिखते हैं, तो तुम यार नहीं लिख पाओगे तो क्या करोगे? तो मैंने कहा यार देखो, फोन वोन की तो मेरी आदत है नहीं, कि मैं इतना तो फोन है भी नहीं शरीर में कि मैं लिखूं। इंक से लिख देते। तो उन्होंने कहा इंक से लिख देते। तो उन्होंने कहा नहीं, एक काम करते हैं, वो लोग नॉनवेज वगैरह खाते थे, तो कसाई जो होता है ना चिकन काटने वाले, तो वो थोड़ा सा खून लेके मुर्गे का आ गए। उन्होंने कहा उससे लेटर लिखो। तो मैंने लिख भी दिया। मैंने कहा चलो लिख देते, देखते क्या होता है। लड़की समझ गई, कह रही शोभित तुम्हारा खून तो नहीं है ये, क्योंकि ये जम गया है, ये किसी चिकन विकन का लग रहा है। वो समझ गई और इतनी बेइज्जती हुई मेरी। मैंने कहा कि यार मतलब चिकन के खून से लेटर लिखवा रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आ रही है? और फिर ऑफकोर्स उस बात पे तो मना करना चाहिए था मुझे, मतलब मैं खुश हूँ कि कम से कम लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया, तो ऐसा करना चाहिए था, मैं डिजर्व कर रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके लाइफ में वो मोमेंट कौन सा था जब आपको लगा कि राइटर में कोई फ्यूचर नहीं है मेरा, या नहीं बन सकता? नहीं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं था मेरी लाइफ में कि मुझे लगा कि राइटिंग में करियर नहीं बन सकता, क्योंकि राइटिंग मेरा ना लाइफ का हमेशा बेस रहा है। मुझे हमेशा से लगा कि मैं कुछ और करूंगा, लेकिन वहां पे सक्सेस नहीं मिली तो राइटिंग तो है। जैसे कुछ भी, मतलब रेस्टोरेंट चलाना हो, ये करना हो, वो करना हो, कुछ भी जिंदगी में बन जाए, वहां पे फेलियर मिलेगा तो राइटिंग तो कर ही लेंगे। और राइटिंग तो जैसे होता ना, तो कि इधर से राइटिंग एक सबकॉन्शियसली था कि यार यहाँ पे फेलियर मिल ही नहीं सकता है, लिखना ही आता है तो लोग मानेंगे क्यों नहीं। तो वो मोमेंट ही कभी नहीं आया, वो ना आएगा क्योंकि वो अंदर है। और मैं भी नहीं चाहती कि वो आए आपकी लाइफ में मोमेंट, या कोई भी नहीं चाहेगा कि वो मोमेंट आपकी लाइफ में आए। मतलब यही है, अब कोई गन पॉइंट पे ऐसा बोलेगा कल से लिखना छोड़ देना बेटा, तभी मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं अब तो लगता है इस करियर में कुछ है नहीं, वरना बिना उसके तो नहीं। सर, अभी इससे रिलेटेड एक मेरा एक और सवाल था आपसे कि आप लखनऊ से बॉलीवुड पहुंचे हैं, तो आपको उस बीच का स्ट्रगल बहुत अच्छे से मालूम होगा, लखनऊ से बॉलीवुड पहुंचने तक का।
तो आपको इस चीज़ ये चीज़ कभी आपको फील हुई कि आउटसाइडर इनसाइडर वाला जो सिस्टम है वो आपके साथ कभी हुआ कि आपको ऐसा फील हुआ कि आपको अलग ट्रीट किया जाता है या आउटसाइडर को डिफरेंट ट्रीट किया जाता है, ऐसा कुछ कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आउटसाइडर और इनसाइडर कुछ होता ही नहीं है. टैलेंट होता है या नहीं होता है, दो चीजें हैं. टैलेंट नहीं है तो आप किसी को भी ब्लेम कर दो, ठीक है, कि नहीं भाई मैं तो बाहर से आया, मुझे ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है. इंडस्ट्रीज ओपन फॉर ऑल द आर्टिस्ट अराउंड द ग्लोब. जिसके पास जो टैलेंट है आ जाओ. एंड सो इट्स लाइक कि आउटसाइडर इनसाइडर नहीं. एंड बात स्ट्रगल की जहां तक है, मैंने स्ट्रगल मुंबई में नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक. ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं था. स्ट्रगल माइंड से होता है. मैं जब लखनऊ में सोचता था कि क्या करूं यार, यू नो, अब जैसे आपको हेलीकॉप्टर में बैठा दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आपको पहुंचना है, तो अब आप घूमते रहोगे, आपको पता ही नहीं है कि यार पहुंचना कहाँ है. ठीक है, आप कभी इधर से जम्मू से जा रही हो, फिर श्रीलंका होते हो, आप घूम रही हो, भले हेलीकॉप्टर में बैठी हो, लेकिन अगर आप पैदल भी हो और आपसे बोला जाए कि भाई आपको यहाँ से यहाँ आना है, तो आप कैसे भी आओगे, जस्ट बिकॉज यू नो द डायरेक्शन. सो नोइंग द डायरेक्शन जब तक नहीं पता होता, वो बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है अपने अंदर कि यार हमको करना क्या है. और एक कभी कभी ऐसा भी होता है, आप गा भी लेते हो, आप ये भी कर लेते हो, तो और थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाता है. सो उस स्ट्रगल बढ़ जाता है कि वो कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि यार मैं इसमें, मैं जो कर रहा हूँ इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं जो, तो वो स्ट्रगल है. बट एक बार व्हेन यू डिसाइड समथिंग, सारे स्ट्रगल्स खत्म हो जाते हैं. एंड इंडस्ट्री इज ओपन फॉर ऑल. कोई आउटसाइडर कोई इनसाइडर नहीं है. जिसके पास भाई जितना टैलेंट है, जिसके पास जितना लक है, वो आता है, अपनी खाता है, वो, तो ऐसा है. देयर इज नो आउटसाइडर एंड इनसाइडर. जी शुभित सर, आपका कोई बॉलीवुड में अब तक कोई फैन मूवमेंट रहा है, या आपको कोई ऐसा सेलेब जो बहुत ज्यादा पसंद हो या कोई बहुत ज्यादा इंस्पायर करता हो, तो आपका उनके साथ एक फैन मूवमेंट कोई रहा? हाँ बिल्कुल है. शाहरुख खान. शाहरुख खान मुझे पसंद है. बेहतरीन एक्टर है इसलिए भी, जिंदगी में भी हीरो है इसलिए भी. शून्य से उठ के 100 तक जाना, उसमें क्या लगता है, कितनी मेहनत, कितने कैलकुलेशंस, कितना मैनेजमेंट. इट्स नॉट अबाउट ओनली वन टैलेंट. मतलब यू नो, सिर्फ अगर टैलेंट से ही अगर आदमी बढ़ता, तो आप देखो ना, इंडिया का टैलेंट शो आता है, उसमें कोई सुपरस्टार बनता है क्या? ऐसा सिर्फ टैलेंट से नहीं होता है. यू हैव टू बी समथिंग एल्स आल्सो. वो उसमें, हाँ, डाउन टू अर्थ. एंड जो सक्सेस के जो यू नो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एंड लाइफ को संभालने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो शाहरुख खान मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो जिंदगी को बहुत बैलेंस करके चलते हैं. वो सुपरस्टार भी हैं, वो जीरो से उठे, वो अपनी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छे से संभालते हैं. उनके तलाक नहीं हो रहे. बहुत लोगों के हो जाते हैं. ओ, ये तो आपने तंज कस दिया. नहीं, मैं सिर्फ शाहरुख पे रहता हूँ कि उनके नहीं हो रहे, मैं उनके लिए बड़ा खुश हूँ और मैं उनसे बहुत सीखता हूँ. तो द थिंग इज कि शाहरुख खान कमाल है. और फैन मोमेंट ये था कि कॉमेडी नाइट्स बचाओ, एक शो जो हम कर रहे थे, तो वहां पे जब आए थे, और उसके बाद खैर काफी बार रूबरू हुए, बिग बॉस में आए थे वो, और भी दो चार जगह मिले, लेकिन पहली बार जब मुलाकात हुई थी तो मेरी आंख भर आई थी देख के. ऐसा लगा कि क्योंकि आप, मैं बहुत अडोर करता हूँ. सो वो वाली चीज थी. बट डेफिनेटली आई होप कि एक दिन मैं उनके लिए भी कुछ लिखूं अभी, क्योंकि आई थिंक, हाँ, क्योंकि आई गेस वो तो अपनी जगह अच्छी है, अच्छे हैं ही. उनको बस शायद स्क्रिप्ट्स इधर अच्छी नहीं मिल रही हैं, तो फिल्म शायद वैसा कमाल नहीं दिखा पा रही हैं, लेकिन वो खुद जितने कमाल है उनको किसी की जरूरत नहीं है. उनका स्टारडम हमेशा मेंटेन रहेगा. सो वो एक है. एंड मैं किसी और का फैन नहीं हूँ. से लास्ट सवाल मेरा आपसे हमारे रैपिड फायर राउंड का ये था कि आपने कॉलेज में कभी किसी दूसरे फ्रेंड के लिए लव लेटर लिखा है और उसका जवाब हाँ आया हो? हाँ, मैंने अपने शब्दों का इस्तेमाल कर करके क्या नहीं करवाया. मैंने मेरे कितने दोस्त लव लेटर लिखवाए. लव लेटर की बात नहीं, मैंने उनको बताया बात, मतलब ऐसे पन्ने पे कलम से नहीं लिखा, लेकिन मैंने उनको बताया कि भाई इस तरीके से बात करना, इस तरीके से ये करना, तो शायद तुम्हारी बात बन जाए. और बड़ी कृपा थी ऊपर वाले की उन लोगों पे, मुझ पे तो नहीं थी, उन लोगों पे थी कि उनकी बात बन गई.
तो बड़े दोस्तों की मदद की है उनके रिलेशनशिप के मैटर में। रिलेशनशिप से ही एक और मैं सवाल इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ, आपकी लाइफ में कोई कन्या अभी इस वक्त? नहीं, अभी नहीं है, झूठ मत बड़ा बोलो, एलिजिबल झूठ बैचलर हूं मत मैं। बोलो, झूठ मत बोलो, बोल दो कैमरे पे, हम एडिट कर देंगे, कोई इशू नहीं है, आप बोल दो कैमरे पे, नहीं, मुझे एडिट कर पता है देंगे, आप उतना ही तो एडिट नहीं करोगे, उतना ही तो आप एडिट नहीं करोगे, उतना ही तो वायरल होगा। नहीं, भरोसा नहीं है मैं आपको सर, एडिट कर देंगे उसको। अरे मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एमिटी आप बेइज्जती तो कर मैंने रहे मास कॉम किया था। हो आप मैंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स किया है, तो उसमें पहले पहले दिन ही सिखाते हैं कि भरोसा किस तरीके से लोगों का जीत के तोड़ा तोड़ा जाता है। तो खैर, लेकिन अभी इस वक्त सच बताऊं तो ऐसा कोई है नहीं लाइफ में, अच्छा, कोई ना क्रश कन्या तो है ना होगी, टाइम है। कोई क्रश तो होगी, कोई क्रश तो, अभी ये इतना क्रश भी थी मत दिया छुपाओ, मिर्जा, इतना भी उन्होंने मत छुपाओ, क्रश तो होगी कोई। क्रश थी दिया मिर्जा, उन्होंने दोबारा शादी कर ली, मुझे बताया तक नहीं, बुलाया तक नहीं, तो बड़ा मैं क्या दिया बोलूं मिर्जा अब। के अलावा, दिया मिर्जा के अलावा नहीं, ऐसे इंडस्ट्री में तो और कोई मुझे इतना खास लगता नहीं है। बाकी सब कोई किसी ना किसी को खास लगते होंगे हर कोई, लेकिन एक अपने अपने अपना अपना दिल होता है आपके पास किसी कोई पे। प्रपोजल आया हो किसी लड़की का? चेहरे की स्माइल बता रही है, चेहरे की स्माइल बता रही है कि हाँ आया है, चेहरे की स्माइल बता रही नहीं, है। प्रपोजल प्रपोजल मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि प्रपोजल कैसा। वो अगर कोई लड़की जिससे मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है और वो अगर बोलती कि नहीं यार चलो लेट्स ट्राई रिलेशनशिप, तो ये कैसा है रिलेशनशिप में, मुझे समझ ही नहीं आता है कि जिससे मेरा बॉन्ड नहीं है। ये क्या कोई इंटरव्यू चल रहा है, ये क्या मतलब कोई फाइल लेके आया है कि देख लीजिए मेरा रिज्यूमे ठीक है तो आप रख लो हमें, ये क्या बात होती है यार। मतलब अगर देर इज नो बॉन्ड, देर इज नो अंडरस्टैंडिंग, तो फिर किसी चीज को शुरू करने का मतलब क्या है। एंड अभी तो इतना लाइफ में टाइम ही नहीं, इतना हम काम कर रहे हैं, एंड मैं तो अभी बिल्कुल भी उसमें हुई नहीं, उस जोन में कि मैं किसी तो फिर हम ये और खबर चीज को छपवा एनर्जी दे दें पाऊं। कि शोभित सिन्हा अभी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल छपा सकते, आपकी जो मर्जी है यार, आप लोग जर्नलिस्ट हो, आप कुछ भी छपा सकते हो, लेकिन मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन नहीं हो पाऊंगा वैसा वाला ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, मैं पूरी तरह से समझ गई आप जो है। कहना चाह रहे हैं, हम ऐसे ही एडिट करेंगे इसको, आप हाँ डोंट वरी। हाँ सो थैंक यू सो मच शोभित बिल्कुल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए थैंक यू। आई होप आपको मज़ा आया होगा हमारे साथ बात बहुत। करके, और आई होप आपका जितने भी आगे जो शो आए वो बहुत हिट हो और ऐसे ही आपको लोगों का प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके सर, बाय बाय सर। बाय बाय बाय। तो ये थे हमारे साथ राइटर और प्रोड्यूसर शोभित सिन्हा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीसी हिंदी, खबरों को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एनबीसी एक बहुत अच्छा चैनल है, आप लोग प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी अच्छा बन पाता है इसके लिए कीजिए, क्योंकि ये काफी दिलचस्प सवाल पूछते हैं ये लोग, जिसमें आपको जवाब देने का मन 100% बढ़ जाता है।